गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, इतना काम होता है, बस चारों तरफ चिल्ला चिल्ली होती है। तो अब देखो, मैं फटाफट फटाफट अपनी बेटी का टिफिन तैयार करती हूँ। बहुत काम होता है सुबह 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 उठी, अपने डॉलर को घुमाया, और क्या नाम है, अब मैं इसका टिफिन पैक करती हूँ। आज मैंने बनाया है खाने में, सुबह सुबह ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ बना दूँ जो फटाफट बन जाए। तो देखिए, मैंने आज बनाया ये शिमला मिर्च बनाई मैंने। अब मैं पराठे बना रही हूँ, फटाफट से इसका खाना तैयार कर दूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। आज मैंने अपनी बेटी को नाश्ते में हलवा दिया, टिफिन में हलवा बना के, और ये सब्जी, ये पराठे। अब फटाफट से मैं इसका टिफिन पैक करती हूँ, क्योंकि इसको कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी, सुबह सुबह बड़ा लगता है कि क्या क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए, पर लगता है बच्चों के लिए अच्छा अच्छा टिफिन रोज़ पैक करके दूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फटाफट से ना मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। क्या बनाया मम्मी आपने? बेटा, आज मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, और शिमला और आलू मिर्च की, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी पैक की है। और खाना खा लेना, खाना बचा के लाई ना, तो फटेगी। इतनी बड़ी हो गई पर आज भी खाना ऐसे बचा के लाती ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब ये खाना बचाती है। अब मैं फटाफट से इसका टिफिन पैक करूं, लेट हो रही होती है सुबह सुबह। मेरा बच्चा कब से इंतजार कर रहा है कि इसको कब खाना दूंगी मैं। कम लग रही है ब्रेड, एक रोटी बना देती हूँ इसके लिए। आजा डॉलर, खाना दूंगी बेटा। बाबू आजा। डॉलर आजा बेटा। डॉलर ये लो, आओ जल्दी आओ। डॉलर फटाफट आओ, इसके नखरे बहुत हैं यार, जब तक इसको टेस्ट ना कराओ ना। बस ये देख, चाक के दे, ये देख दही है, जा खा ले, जा जा जाओ। पूरा नवाब है, पहले टेस्ट करेगा फिर चीज़ों को खाएगा कि हाँ सही लग रही है। डॉलर अच्छी लग रही है बेटा, ये मुझे ही बर्दाश्त कर पाता है। खाने के टाइम पे अगर कोई और आ जाए ना, तो बस पूछो मन। चल खा ले तू, अच्छा लग रहा है, खा ले, कोई नहीं ले रहा, खा ले। तो ये आज मैं फिक्स कर रही हूँ, और ये मेरी जो है इनके कहने से करी, तो ये मेरी दीदी है। अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो भी क्रेडिट इनको जाएगा, अगर मैं अच्छी लगी तो भी क्रेडिट इनको जाएगा, ठीक है? लगा ये ऐसे पकड़ के, हाँ मेरे को दिख रहा है। एक आने पकड़े इसको, नीचे से पकड़े इसको, इसको कर दूंगी। स्टूल में अभी दिखाऊंगी, रुको जाग जा तू, अभी दिखाऊंगी इनका स्टूल। जरूर हंसी मजाक तो थोड़ी होनी चाहिए ना। अबे ये स्टूल लगा के मेरे बराबर आ रही है, तभी तो मैं कह रही स्टूल की लूंगी जरूर। उनका अच्छे से पूरा एकदम हो जाना चाहिए, कोई पैचेस ना पड़े। भाई मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है कि मैं अच्छी भी लगूंगी, जो होगा देखा जाएगा। सामने लोगों पे ना थोड़ा कम अच्छा लगता है। नहीं आपका रंग साफ है पता है, हंसने की जरूरत नहीं, कर ले ढंग से, पता चलेगा कि हम डाल रहे हैं। बस करो, फट गया दीदी के हाथ से ही, फट गया। इतना टाइट से पकड़ती कि वॉलपेपर भी फाड़ दिया। तो
घुसाओ नाक मुंह में उंगलियां घुसाओ इतना फोल्ड नहीं करते वो ये कट रहा है ना बीच में सही फिर बाल समझाएंगे तो हाँ दीदी ये सही कटा बाल समझाएंगे भी लग हाँ। सेक्शन क्लिप दे दो ना दीदी को साजिदा उतना सेटिंग क्लिप दिखाओ और भी देखिए मैंने ये कलर किया था कल अपने सलोन में खुद से कि थोड़ा चेंज करके देखती कि आगे के बाल मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हो रखे थे और सच में मुझे खुद को ये इतने अजीब लग रहे हैं ना कलर में क्या बताऊँ और मुझे इनको ब्लैक करना पड़ेगा शौक शौक में पता नहीं कई बार ऐसा कूड़ा कर लेते हैं ना कि पूछो मैं देखा था कि आगे से गोल्डन बाल किसी के बहुत अच्छे लग रहे थे पर मैंने सोचा मैं अपने रेड कर लेती क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवला है तो रेड अच्छा लगेगा ये वाला शेड चेरी चेरी रेड पर ये तो अजीब ही लग रहा है और चलो कोई नहीं पार्लर वाले वैसे भी थोड़े लाल पीले से होते हैं थोड़ा सा लाल पीली बन जाती हूँ मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कैसी लग रही तो हस्बैंड बोले ठीक लग रहा है थोड़े नीले पीले भी कर ले एक लाल कर ले एक नीले कर ले एक हरे कर ले तो अच्छी लगेगी तो अब देखते हैं खैर ऐसा तो खैर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मुझे मिला कि बहुत गंदी लग रही है पर हाँ बहुत अच्छी भी नहीं लग रही ठीक ठाक लग रहा है आप लोग बताइएगा कि मेरा ये कलर कैसा लग रहा है ये जो मैंने कर लिया है ना अपने आप को कार्टून बना लिया है तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है फिर मैं इसके ऊपर मेरा तो मन है कि मैं सच में एक दो कलर और कर लूँ नीले पीले पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो ठीक है ना चलो अब आगे देखते हैं आज ट्यूसडे को हम क्या क्या करते हैं बहुत सारा काम है आज मैं अपने डॉलर को नहलाऊँगी आज मुझे इसे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है क्योंकि थोड़ा सा ये सुस्त रहता है तो थोड़ा सा दिखाऊँगी डॉक्टर के पास जाके इसको ये क्यों ऐसे रहता है और सीढ़ियों पर चलने में थोड़ा सा इसको लगता है मुझे लगता है थक जाता है तो ये पता नहीं इतनी जल्दी क्यों थकता है मेरा डॉलर तो आप देखती हूँ मैं दोस्तों देखो मैं नहा के बैठी हूँ ना ये इतना तेज है इसे पता चल गया कि अब ये नहा चुकी है इसे निकलना है ये इसका हमेशा यही सीन रहता है ये देखो दरवाजे के पास कैसे जाके बैठ गया इसको मैं कुछ भी लालच दे दूँ इसको खाने का लालच दे दूँ इसको पीने का लालच मजा ले दरवाजे से हिले क्योंकि इसको पता है ना अब ये निकलने वाली है अब मैं डॉलर आओ चीजी खाने चलो आओ आओ मैं अपने बेटा को चीजी दूंगी मजा ले आज बहुत तेज है सच में लोग कहते नहीं समझते नहीं मुझे ऐसा लगता है इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता बुला बुला के थक गई हूँ ले डॉलर चीजी ले मेरे बेटा ले इधर आओ चीजी लो इधर आओ मेरा बच्चा इधर आ चीजी खाएगा ले ये ले ये ले अब इसको पनीर दिखा के इसको लालच देती हूँ किसी तरह तो है बड़ा ही समझता है पता है अब इसे पता चल जाए कि इसको निकलना है ये ऐसे दरवाजे पे बैठ जाएगा और फिर इसको अंदर करना भी और मुश्किल हो जाता है कसम से आजा बेटा आजा ये ले पनीर शक्ल देखिए मेरे बच्चे की कितनी मासूम कोई देखे तो सही इसकी मासूमियत देखे एक बार बोलो हेलो मैं बहुत भोला बच्चा हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ ये मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मेरा शरीफ बच्चा है ये मेरा बहुत शरीफ बच्चा है ये मेरे सामने गुंडागर्दी करता है ये मुँह दिखा दो दांत दिखा दो सबको आपने ब्रश किया था ना ये आ अब मैं इसे अंदर करके मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए तो चलो अंदर करो आओ आओ ले लिया आपने